भाइयों और बहनों, गरीबों के लिए सरकार की इसी संवेदनशीलता को आपने इस कोरोना के काल में भी देखा है, महसूस किया है। हम सबको पता है पूरी दुनिया में कितनी बड़ी भयंकर महामारी आई है। 2 साल हो गए, पूरी मानव जात, दुनिया का हर देश, अमीर हो गरीब हो, हर कोई 100 साल की ये भयंकर बीमारी के चपेट में आया हुआ है। ये संकट हमारे देश पर भी बहुत गहरा, लेकिन ऐसे संकट के समय हमारी सरकार हाथ पर हाथ धर करके नहीं बैठी। क्या करे, पूरी दुनिया में हुआ है, ये तो वायरस है, आने ही वाला है। हम रोते नहीं रहे, बैठे नहीं रहे, हमने एक के बाद एक इस समस्या के सामने रास्ते खोजते रहे, देश के लोगों की जिंदगी बचाने के लिए लगे रहे। ऐसे कालखंड में कोई भी गरीब भूखा न रहे, किसी गरीब के घर में चूल्हा न जले, कोई गरीब का संतान रात को भूखे पेट सो न जाए, इसलिए हमारी सरकार अन्न के भंडार खोल दिए। दोस्तों, अन्न के भंडार खोल दिए। पूरे देश में, दुनिया को भी अचंभ होता है, 80 करोड़ लोगों को करीब करीब 2 साल से मुफ्त में राशन मिल रहा है, और हमारे उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन पहुंचा है। भाइयों बहनों, गरीब आज भाजपा को आशीर्वाद दे रहा है। इसी संकट के समय हमारी सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी गरीब, हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक, अमीर हो या गरीब हो, उच्च मध्यम वर्ग हो या निम्न मध्यम वर्ग हो, शहर में रहता हो या गांव में रहता हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी वैक्सीन से छूट ना जाए। आप सबको वैक्सीन लगा है, टीका लग गया है? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, टीका लगा है? आप मुझे बताइए, आपको टीका लगाने के लिए एक नया पैसा भी खर्चा करना पड़ा क्या? जोर से बोलिए ताकि ये जरा गौर परिवारवादियों को पता चले, कोई खर्चा आया क्या? कोई आपको पैसा देना पड़ा क्या? एक भी रत्ती रुपया देना पड़ा क्या? भाइयों बहनों, इतना बड़ा सेवा काम, इतना बड़ा देश, और इतने कम समय में, लेकिन इन गौर परिवारवाद लोगों ने देश की जनता को गुमराह करने के लिए, आपको बहकाने के लिए दिन रात नए नए मनगढ़ंत तर्क दिए, अफवाहें फैलाई, भ्रम फैलाई। लेकिन भाइयों बहनों, आपका मेरे प्रति जो विश्वास था, आपका मेरे प्रति जो प्रेम था, उसके कारण वे सफल नहीं हो पाए, और आज हर नागरिक के तक टीका पहुंच गया। भाइयों, उन्होंने ये तक कह दिया कि वैक्सीन तो भाजपा की है। इन लोगों ने आप लोगों को उकसाया, ये तो भाजपा की वैक्सीन है, ये भाजपा के रंग वाली वैक्सीन है, ये भाजपा के कमल वाली वैक्सीन है, इसलिए वैक्सीन मत लगाओ।
आपने उनकी एक भी बात नहीं सुनी, जैसे वैक्सीन में उनकी बातें नहीं सुनी है, चुनाव में भी मत सुनना। आपने हमारी बात मानी और टीका लगवाया, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं भाइयों बहनों। और तो और, इन लोगों ने तस्वीरें दिखाकर यूपी को बदनाम करने का भी काम किया।